सभी किसान भाइयों को नमस्ते। साथियों, इस समय हम हरियाणा प्रदेश के करनाल जिला के गांगर गांव में हैं और ये जो खेत आप देख रहे हैं ये हमारा एक्सपेरिमेंटल खेत है। इस खेत में हम कई तरह के बीज जो नए होते हैं उनको लाते हैं और छोटे स्तर पे हम इनका एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज कुछ देर हो गई है, इस बार बारिश आ गई थी 15-16 की रात को, बहुत ज़्यादा। 27 नवंबर को हम एक नया बीज बीजने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है MHW 444। ये हमारे एक दोस्त डॉक्टर टी मिर्जा ने इजाद किया है और उन्होंने महाराष्ट्र से हमको भेजा है। तो मैं दिखाऊं ये बीज, गेहूं का कुछ आम प्रचलित दानों से बड़ा भिन्न है। और हमारे साथी लोगों ने बोला कि ये दाना बहुत लंबा सा है और टी मिर्जा ने बोला कि ये 30-35 किलो ही एक एकड़ में डालना है। और हम पूछते हैं गौरीश जी से कि ये जो है ये एक्सपेरिमेंट कैसा लग रहा है। गौरीश जी, आप बताएं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप क्या करने जा रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने मंगवाया है महाराष्ट्र से जी। और इसका दाना भी और गेहूं के बीजों से कंपैरिजन अगर करके बोले तो लंबा है थोड़ा। ओके। और इसकी टिलरिंग भी कही गई है कि थोड़ी ज्यादा निकलती है। वेरी गुड। तो अभी ये ट्रायल मोड पे है। ओके। होप की सक्सेस हो इसमें और हम थोड़ा खुला करके इसको लगाएंगे। वेरी गुड। हम एक्स्ट्रा इसे आउटपुट ले पाए जी और फिर आगे हम देखते हैं। जैसे फिर साथियों, गौरीश जी ने बताया कि ये अभी ट्रायल मोड में है और बहुत छोटे स्तर पे हम केवल मात्र 12 किलो बीज को ही लाए हैं और हल्के से स्तर पे 1.5-2 कनाल एरिया में हम इसको बोने जा रहे हैं आज 27 नवंबर 2020 में। तो कुछ ही दिनों में इसको आम पैकेज और प्रैक्टिस के अंतर्गत हम सब चीजें देते रहेंगे, जैसा कि DAP देना है, अगर मंडूसी आएगी तो मंडूसी की दवाई देंगे और 2 बार पानी देंगे हम 21-21 दिन के अंतराल में। हम भगवान जी से आराधना करते हैं कि बहुत अच्छा बीज हो और इससे पैदावारी अच्छी आने पे जो बीज बनेगा हम किसानों को ट्रायल मोड में थोड़ा थोड़ा जरूर मुहैया कराएंगे ताकि सब लोग देखें कि ये बीज कैसा है और अन्य प्रचलित पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किस्में चल रही हैं उनमें किस तरह से हम फिट कर सकते हैं फार्मिंग सिस्टम में ताकि पैदावारी में उनके प्रति एकड़ इजाफा हो। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।